आज के वीडियो का हमारा विषय है संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। इसके साथ ही साथ हम जानेंगे अधिराज की राजतांत्रिक यानी इंपीरियल मोनार्ची के विषय में भी, और यह भी जानेंगे कि भारत का इनसे क्या संबंध है। नमस्कार, मेरा नाम है अनिश कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी दर्शन इंडिया का खास कार्यक्रम हमारा संविधान। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत की ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता और देश के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन ने एक योजना प्रस्तुत की थी। इसी योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत का विभाजन भी कर दिया गया। इसके साथ ही भारत को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया, यानी भारत को वह सारे अधिकार दे दिए गए जो एक राष्ट्र में निहित होने चाहिए। ब्रिटिश संसद ने भारत से संबंधित सारे विधायिका के अधिकार यानी भारत के शासन प्रशासन को संचालित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार 1946 में गठित भारत की संविधान सभा को सौंप दिया। अब चूंकि संविधान सभा कोई संसद तो थी नहीं कि देश के लिए कानून बनाए, फिलहाल देश के लिए संविधान की रचना का कार्य संविधान सभा ही कर रही थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि संविधान सभा ही देश के शासन प्रशासन के लिए भी कानून बनाएगी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन किया गया। चूंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया था और भारत अब ब्रिटेन का उपनिवेश भी नहीं था, तो ब्रिटेन के राजा ने भारत के सम्राट का शाही खिताब त्याग दिया, यानी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत सीधे ताज के अधीन हुआ भारत अब स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। इधर अभी भारत के संविधान की रचना का कार्य प्रगति पर था, इसलिए बिना संविधान के लागू हुए भारत के अपने राष्ट्रपति या राजा का चुनाव संभव नहीं था। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जब तक भारत का संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता और भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक के लिए ब्रिटेन के राजा यानी जॉर्ज खस्टम को ही भारत का भी राजा यानी राष्ट्राध्यक्ष चुन लिया जाए। इस प्रकार जॉर्ज खस्टम स्वतंत्र भारत के पहले राजा यानी राष्ट्र अध्यक्ष बने और इनके प्रतिनिधि के तौर पर भारत में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया और सरकार का स्वरूप संवैधानिक राजतंत्र का बनाया गया। जॉर्ज खस्टम भारत के राजा बने। इनके प्रतिनिधि के तौर पर लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक और चक्रवर्ती राजगोपालचारी 21 जून 1948 से जनवरी 1950 तक भारत में गवर्नर जनरल के पद पर रहे, तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। भारत की विधायिका संविधान सभा ही थी। जब सभा की बैठक संविधान सभा के तौर पर होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब सभा की बैठक विधायिका के तौर पर होती तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। इस प्रकार भारत में 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक यानी 2 साल 6 माह 11 दिन तक संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था लागू रही थी। यहां जो फ्लैग आप देख रहे हैं यह भारत के राजा जॉर्ज खस्टम के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में गवर्नर जनरल का प्रतीक था। चलिए अब देखते हैं संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली को। संवैधानिक राजतंत्र किसी राज्य की उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें सर्वोच्च शासक राजा तो होता है लेकिन उसकी शक्तियां किसी संविधान या कानून द्वारा सीमित होती हैं, यानी वह अपनी मनमानी से राज नहीं कर सकता। राजा को बांधने वाला कानून लिखित या अलिखित हो सकता है।
ऐसे देशों में राजनीतिक शक्तियां अक्सर नागरिकों द्वारा चुनी हुई संसद के अधीन होती हैं, इसलिए इसे कभी कभी संसदीय राजशाही भी कहा जाता है। वर्तमान में ब्रिटेन और जापान में ऐसी ही संवैधानिक राजशाही प्रणाली लागू है। चलिए अब देखते हैं अधिराजकीय राजतांत्रिक प्रणाली के बारे में। अधिराजकीय राजतांत्रिक व्यवस्था में सारे अधिराज यानी डोमिनियन का केवल एक ही नरेश एवं एक ही राजघराना होता है, अर्थात सारे अधिराज्यों पर एक ही व्यक्ति सम्राट, नरेश, राजा या शासक का राज होता है। यह नरेश हर एक डोमिनियन पर समान अधिकार रखता है एवं हर अधिराज्य में संवैधानिक व कानूनी रूप से उसे राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्राप्त होता है। लेकिन इसके बावजूद भी सारे डोमिनियन वास्तविक रूप से अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि हर देश में अपनी खुद की स्वतंत्र सरकार होती है और नरेश का पद केवल परंपरागत एवं नाम मात्र का होता है। नरेश का संपूर्ण कार्यभार एवं कार्याधिकार उस देश के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रहता है जिसे इस देश के सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इस तरह की व्यवस्था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य एवं ब्रिटिश राष्ट्रमंडल प्रदेशों यानी ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि व पूर्व ब्रिटिश अधिराज्यों की शासन प्रणाली में देखी जा सकती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अधिराज यानी डोमिनियन और संवैधानिक राजतंत्र यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची, ये दोनों संयुक्त रूप से अधिराज की राजतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। आपने देखा कि भारत में इस प्रकार की शासन प्रणाली अल्पकाल के लिए 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक अस्तित्व में रही थी। इस बीच भारत में विधान पालिका का पूरा कार्यभार संविधान सभा पर था। वह कार्यपालिका का मुखिया भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इस दौरान भारत में केवल एक राजा जॉर्ज खष्टम का राज रहा एवं दो महाराज्यपालों यानी गवर्नर जनरल व एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।